मैडम जी, कुछ आराम हुआ? हाँ सोमू, अब रिलैक्स महसूस हो रहा है। सोमू? हाँ जी। तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है मैम। नहीं सोमू, सच में ऐसा मुझे कई बार फील होता है। अरे मैम आप भी ना। सोमू तुम भी ना सच में ही गुड्डू हो। मैं सच कह रही हूँ, कभी हाँ ना का भी जवाब दे दिया करो, हर बार गर्दन हिला देते हो। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरा जन्म आपकी सेवा करने के लिए ही हुआ है। क्या फिर क्या कह रहे हो? अरे मैम सची तो कह रहा हूँ, जब मैं आपकी बरसों से आज तक सेवा कर रहा हूँ, अब मेरी दिली इच्छा यही है कि आपकी सेवा करते करते मेरी सारी उम्र बीत जाए। अरे वाह, मुझे तो आज ही पता चला तुम इतनी अच्छी बातें भी कर लेते हो। चल सोमू एक बात बताओ, तुमने कभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा? अरे मैम मैं तो आपकी सेवा में लगा रहता हूँ, शादी के प्रति मन में विचार कभी आया ही नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि सोचो तुम्हारे भी बीवी बच्चे हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैं आपको कभी अकेला छोड़ नहीं सकता। अरे बुद्धू, मैं तुम्हें अकेला छोड़ने की बात नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अरे मैम जब तक आपका गृहस्थी जीवन ठीक से नहीं चलता, मैं कभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैम जी मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? अरे पागल, कौन नहीं चाहता उसका जीवन खुशियों से भरा हो। अगर किस्मत में जीवन साथी ऐसा लिखा हो तो खुशियों की क्या उम्मीद रखो। मैम जी जब आप उदास होते हो ना तो ऐसा लगता है कि बगीचे के सारे फूल मुरझा गए हो। आप हमेशा खुश रहा करो। सोमू तुम्हारी ये बातें सुन के मुझे जोरों की भूख लगाई है। मैम अभी बना के लाता हूँ। तुम्हें क्या पता भवरे के बिना कभी फूल खिलता नहीं, जब भवरा ही फूल को छोड़ के चला जाए तो फूल की किस्मत में मुरझाना ही लिखा होता है। गुड मॉर्निंग मैडम जी। वेरी स्वीट मॉर्निंग सोमू। मैम चाय। सोमू जी। मैम साहब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैम जी नाश्ता? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। चलो मैम मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है चलो, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ।
हैप्पी बर्थडे मैडम जी। अरे सोमू, ये सब तुमने किया? हाँ मैडम जी। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मैं इतना बड़ा दिन कैसे भूल सकता हूँ मैडम जी, जब मैं आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता हूँ। ये दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मेरे लिए फिर भी बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, मैं तो तुम्हें बुद्धू ही समझ रही थी, तुम तो सच में बहुत समझदार हो। छोड़ो ना मैडम जी, आओ केक काटते हैं। रुकिए मैडम जी। हैप्पी बर्थडे मैडम जी। सोमू, तुम्हारा बर्थडे कब है? मैडम जी, बर्थडे तो जब मनाऊंगा ना, जब मुझे पता होगा कि मैं पैदा कब हुआ था। चलो छोड़ो, तुम्हारा बर्थडे भी आज ही मनाते हैं। आज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इधर आओ, लो पकड़ो। मैडम मैं? हाँ हाँ, लो केक काटते हैं। क्या हुआ, काटो ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मैडम जी। सोमू, क्या हुआ? अरे मैडम जी, इस नौकर को आज तक कभी किसी ने इतना प्यार दिया ही नहीं। अरे बुद्धू, मैंने तो तुम्हें कभी नौकर समझा ही नहीं, तुम तो मेरी फैमिली के एक सदस्य हो। चलो छोड़ो इन बातों को, आज थोड़ा एंजॉय करते हैं। मैडम जी कैसे? चलो आज एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम मैडम जी? चलो एक काम करो, अपना परना मुझे दो, मैं इसे तुम्हारी आंखों पर बांधूंगी, तुम्हें मुझे ढूंढकर हाथ लगाना होगा। पकड़ लिया पकड़ लिया। अरे सुनो, तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया? मैडम जी, आपकी खुशबू तो मेरे रोम रोम में बसी है। ये क्या कह रहे हो? अरे मैडम जी, मेरा मतलब था जो आपका परफ्यूम है उसकी खुशबू से पहचान लिया। अच्छा, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, यू चीटर। अरे नहीं मैम। अच्छा ठीक है, तो तुम अब मेरी आंखों पे बांधो। हाँ ठीक है।
मैम आप ठीक हो? थैंक्स सोमू, तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। अरे सोमू आज एंजॉय करके बहुत अच्छा लगा। सोमू मुझे तो नींद आ रही है, मैं जाके सोती हूँ। सोमू एक काम करो, मुझे एक कप चाय पिला दो। अभी ले आता हूँ मैडम। मैडम जी चाय। वाकई में सोमू आज तो मजा ही आ गया। मुझे भी मैडम जी। अच्छा मैडम जी गुड नाइट। गुड नाइट सोमू। मैडम जी क्या हुआ? कुछ नहीं सोमू, थोड़ा मन सा खराब हो। मैडम जी चाय। नहीं सोमू चाय पीने का मन नहीं है, आज कुछ अजीब सा मन हो रहा। मैडम जी तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ सोमू ऐसी कोई बात नहीं। मैम अगर कुछ खाने की इच्छा हो तो लाऊं? नहीं नहीं रहने दो, इच्छा होगी तो मैं बता दूंगी। ठीक है मैडम जी। सोमू जी मैम एक गिलास पानी लाना। अभी ले आ मैम। मैम जी लगता आपकी तबीयत ज्यादा ही खराब होगी, आप कहे तो डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं सोमू अभी रहने दो। पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाया। एक बार डॉक्टर के पास चली जाती। घबराने की कोई बात नहीं, आइए बैठिए,
मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, इनसे आराम हो जाएगा और कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये लो, स्टोर से ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। मैम जी, क्या बताया डॉक्टर ने? अरे कुछ नहीं, कुछ दवाइयाँ लिख दी है। मैम जी, कोई दिक्कत तो नहीं बताई? अरे कुछ नहीं, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए हैं जिसकी रिपोर्ट कल तक आ रही है। मैम जी, कुछ खाने की इच्छा हो तो बता देना। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार, आइए बैठिए। नंदनी जी, आपकी रिपोर्ट भी आ गई है। मुबारक हो नंदनी जी, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। आप माँ बनने वाली हो। क्या? 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 क्या?